तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी हिमेड्रिंक्स के बारे में, और अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने पॉइजन एंड एंटीडोट के बारे में, ठीक है। और ये हमारी यूनिट 4 का लास्ट लेक्चर होने वाला है। वैसे यहाँ पे एक टॉपिक और भी बच जाता है जो कि हमारा एस्ट्रिजेंट्स के ऊपर है, बट उसको आप लोग एक बार बुक से ही देख लेना, वो बहुत ही रेयर चांस में पूछा जाता है और इतना टाइम है नहीं कि हम लोग यहाँ पे उसको कवर कराएं। अब देखो पॉइजन हमारा क्या होता है, जहर, ठीक है, और एंटीडोट क्या होता है, इसी की दवा, यानी कि अगर किसी ने पॉइजन ले लिया है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग जो दवा देते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एंटीडोट। अब देखो वैसे तो हमें एंटीडोट के बारे में पढ़ना है, बट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पॉइजन का इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। अब पॉइजन हमारा क्या होता है, पॉइजन इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड इन वॉट एवर वे प्रोड्यूस इलनेस और इवन कॉज डेथ। यानी कि पॉइजन हमारा एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ठीक है, कि अगर किसी ने इसको ले लिया तो यहाँ पे उसके अंदर जो है सीवियर इलनेस, यानी कि बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है, या फिर सीवियर केस में पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। अब यहाँ पे देखो द डायग्नोसिस ऑफ पॉइजनिंग इज ऑफन डिफिकल्ट, यानी कि पॉइजनिंग का जो ट्रीटमेंट होता है वो इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो किसी ने पॉइजन वगैरह ले लिया है तो यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट कर देना चाहिए, जितना लेट होती है उतना ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजनिंग की, तो हम लोग यहाँ पे इसको तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया इंटेंशनल, दूसरा हो गया अनइंटेंशनल, और थर्ड हो गया अनडिटरमाइंड। अब देखो इंटेंशनल का क्या मतलब है, इंटेंशनल का मतलब है कि मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, उसने किसी को जानबूझ के जो है किसी चीज़ में पॉइजन मिला के जहर मिला के दे दिया, या फिर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर वो खुद को हार्म करने के लिए, जैसे कि सुसाइड वगैरह का केस होता है, ठीक है, तो मतलब उसने जो है अपनी जान खुद से लेने के लिए यहाँ पे पॉइजन ले लिया, तो वो यहाँ पे इंटेंशनल होती है, यानी कि जो पर्सन है उसने जो है जानबूझ के ली है या फिर जानबूझ कर किसी ने उसको दी है। और अनइंटेंशनल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा पर्सन होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे जैसे कोई सब्सटेंस उसने खा लिया, कोई भी चीज़ है उसने खा ली और उसको पता नहीं है, और उसके अंदर यहाँ पे कुछ टॉक्सिक इफेक्ट था, ठीक है, यानी कि उसमें थोड़ा सा पॉइजनिंग इफेक्ट था, तो ये यहाँ पे क्या होता है, एक्सीडेंटली होता है, यानी कि पेशेंट को पता नहीं होता है, उसने जो है अनजाने में कोई ऐसी चीज़ खा ली होती है जिसके अंदर यहाँ पे पॉइजन वगैरह होता है, तो ये होता है हमारा यहाँ पे अनइंटेंशनल, ठीक है। और अनडिटरमाइंड की बात करें तो यहाँ पे जब मान लो किसी ने किसी के अंदर पॉइजनिंग का यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिला और उसका यहाँ पे रीजन जो है डिटरमाइंड नहीं होता है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच का केस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनडिटरमाइंड। अब यहाँ पे हम लोग बात करें अपने पॉइजनिंग की कुछ अदर केसेज के बारे में, ठीक है, तो जैसा हमारा फूड पॉइजनिंग होता है, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं तो वो यहाँ पे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है, तो वो पड़ा पड़ा ना हमारी बॉडी में पॉइजनिंग कॉज कर देता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा फूड पॉइजनिंग, और ओवरडोज ऑफ ड्रग, यानी कि कोई दवा है उसकी बहुत ज़्यादा डोज खा लो, ठीक है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान वगैरह हो जाता है, तो पॉइजनिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। और थर्ड और मोस्ट कॉमन होता है हमारा यहाँ पे साइनाइड पॉइजनिंग, ठीक है। और सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, और यहाँ पे वोमिटिंग यानी उल्टी वगैरह देखने को मिलती है, डायरिया, और ठीक है, डायलेटेड पीपल्स यानी जो हमारी आँखें हैं वो बड़ी हो जाती हैं, और डिक्रीज्ड हार्ट रेट यानी कि हमारा हार्ट रेट भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने साइनाइड पॉइजनिंग के बारे में, ठीक है। तो जो हमारी साइनाइड पॉइजनिंग है वो यहाँ पे मेजरली दो तरीकों से हो सकती है, ठीक है, यानी कि जो हमारा साइनाइड पॉइजन है, या तो उसको जो है किसी ने एक्सीडेंटली ले लिया, या फिर जो है किसी ने इसको जो है इंटेंशनली सुसाइड कमिट करने के लिए ले लिया, ठीक है, वही जो हम लोगों ने देखा इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। अब यहाँ पे देखो साइनाइड पॉइजनिंग में यहाँ पे होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ना एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन नेसेसरी फॉर सेल्युलर रेस्पिरेशंस, यानी कि हमारी बॉडी में जो सेल का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जरूरी होता है, और उसको करता कौन है, उसको करता है हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नामक एंजाइम। अब यहाँ पे साइनाइड पॉइजनिंग के केस में होता क्या है, जो साइनाइड है ना ये हमारे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के अंदर फेरिक आयन के साथ जाके बाइंड हो जाता है, और जब ये बाइंड हो जाता है तो क्या होता है, नाउ दिस लीड्स टू स्टॉपेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस विच अल्टीमेटली इनहिबिट्स द सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि जब इसके साथ यहाँ पे ये हमारा साइनाइड जाके बाइंड हो जाता है तो जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाली रिएक्शंस है वो यहाँ पे रुक जाती हैं, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन रुक जाता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से हमारी पूरी बॉडी में यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, और सीवियर केस में पर्सन की डेथ तक हो जाती है, ठीक है। इफ साइनाइड पॉइजनिंग इज नॉट ट्रीटेड इमिडिएटली इट कुड बी वेरी हार्मफुल एंड इवन लीड्स टू पर्सन डेथ। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे दो एंटीडोट होते हैं, सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे साथ में एक के बाद एक जो है इसका इंजेक्शन हम लोग देते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग।
तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने एंटीडोट्स के बारे में, ठीक है। तो एंटीडोट्स आर द सब्सटेंसेज विच रिएक्ट्स स्पेसिफिकली विद द इंजेस्टेड पॉइजन एंड ओवरकम इट्स इफेक्ट, ठीक है। दे आर यूज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इन द बॉडी। देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे किसी ने पॉइजन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे एंटीडोट होते हैं वो क्या करते क्या है कि वो उसके साथ जाके बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, और उसका जो इफेक्ट है उसको यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि उसके साथ बाइंड होके उसको जो है आप कह सकते हो कि उसको इनएक्टिव कर देते हैं पॉइजन को, ठीक है। और उसकी वजह, अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझना, हम लोगों ने अभी हम लोगों ने देखा था अपने वोमिटिंग एजेंट्स यानी कि इमेटिक्स को, ठीक है। तो इमेटिक्स भी यहाँ पे क्या करता है, पॉइजन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पे इमेटिक्स और एंटीडोट्स में जो है डिफरेंस क्या होता है, जो इमेटिक्स है ना वो यहाँ पे तब यूज किया जाता है जब पॉइजन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हुआ हो, ठीक है, यानी कि बॉडी में जो है उसका एब्जॉर्प्शन ना हुआ हो, तब हम लोग यहाँ पे इमेटिक्स का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो जो पॉइजन है उसको खाते हुए काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, जब यहाँ पे जैसे पेशेंट को पॉइजन लिए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, ठीक है, तब यहाँ पे क्या होता है, जो पॉइजन है वो हमारी बॉडी के ब्लड के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, और तब यहाँ पे इमेडिक्स यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तब उल्टी वगैरह कराने से कोई मतलब फ़ायदा नहीं है, तब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं अपने एंटीडोट्स का। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये हमारे पॉइजन के साथ बाइंड हो जाते हैं और उसके इफेक्ट को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है तीन मेजर कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया फिजियोलॉजिकल, और दूसरा हो गया केमिकल, और थर्ड हो गया यहाँ पे मैकेनिकल। अब फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स की बात करें तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है एंटागोनिस्ट के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये करता क्या है, ये जो हमारा पॉइजन है, ठीक है, यानी जिस भी टाइप का पॉइजन यहाँ पे लिया गया है तो उसके जस्ट अपोजिट काम करता है, ठीक है, यानी जैसा पॉइजन है उसका जो भी मैकेनिज्म है उसके जस्ट अपोजिट काम करता है और उसके इफेक्ट को यहाँ पे कैंसिल कर देता है। अब इसका एग्जाम्पल होता है हमारा यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट। अब केमिकल एंटीडोट्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, दे एक्ट बाई कंबाइनिंग विथ पॉइजन एंड चेंजिंग इट्स केमिकल स्ट्रक्चर और कन्वर्टिंग देम इनटू इनएक्टिव और हार्मलेस कंपाउंड। यानी कि देखो कोई भी चीज़ होती है तो उसका कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होता है, तो जो हमारा पॉइजन है उसका जो भी केमिकल स्ट्रक्चर है तो ये यहाँ पे केमिकल एंटीडोट्स जो है क्या करते हैं, उसके साथ बाइंड होकर उसका केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज कर देते हैं, और जब उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया तो उसके काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है, और उसको यहाँ पे क्या करते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं या फिर हार्मलेस बना देते हैं, यानी कि जो पॉइजन हमारा हार्मफुल है वो यहाँ पे हार्मलेस हो जाता है। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारा यहाँ पे सोडियम थायोसल्फेट, और इसी को हम लोग यहाँ पे मेजरली देखेंगे क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैकेनिकल एंटीडोट्स की बात करें तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये हमारी ये जो पॉइजन है ना उसको बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होने देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हमारा तभी काम करता है जब पॉइजन के थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे पेशेंट को दिखा दिया जाए, ठीक है, अगर मान लो जल्दी है मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तब हमारा ये वाले काम कर जाते हैं, ये जो है उसके एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे रोक देते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो हमारा केमिकल और फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स ही काम करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने सोडियम थायोसल्फेट के बारे में, ठीक है। तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है हमारे यहाँ पे Na2H2O3, और वाटर के साथ यहाँ पे ये कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिल जाता है। मॉलिकुलर वेट होता है इसका यहाँ पे 248.2 ग्राम पर मोल कंबाइंड फॉर्म का। और साइनोनेम की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे सोडियम हाइपोसल्फेट के नाम से भी जानते हैं। और प्रिपरेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे सोडियम सल्फाइड को सल्फर के साथ जो है बॉयल करके प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। Na2SO3 प्लस सल्फर इज इक्वल टू Na2H2O3। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो यहाँ पे ये हमें जो है लार्ज कलरलेस क्रिस्टल के फॉर्म में देखने को मिलता है, ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, और थोड़ा सा इसका एल्कलाइन यानी कि बेसिक टेस्ट होता है, और वाटर में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। अब ऐसे की बात करें तो अगर आप लोगों ने रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर आयोडीमेट्री वाला लेक्चर देखा है तो यहाँ पे इसका ऐसे बिल्कुल आयोडीमेट्री पे बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऑफ Na2H2 इज बेस्ड अपॉन रिडॉक्स टाइट्रेशन, और रिडॉक्स में भी आयोडीमेट्री के अंदर टेक अबाउट यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 0.5 ग्राम ऑफ सैंपल यानी कि Na2H2O3 एंड डिजॉल्व इन 20 ml ऑफ वाटर। नाउ इट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.05 मोलर स्टैंडर्ड आयोडीन सोल्यूशन यूजिंग स्टार्च एज एन इंडिकेटर, ठीक है। और यहाँ पे होगा क्या, आयोडीन और स्टार्च यहाँ पे कंबाइन करके ब्लू कलर डेवलप कर लेंगे, और यहाँ पे टाइट्रेशन को हम लोग कब तक कंटिन्यू रखेंगे, जब तक ये ब्लू कलर हमारा डिसअपियर ना हो जाए। अब यूजेस की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे मेनली साइनाइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्किन डिजीज में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे सिलेबस में दो और कंपाउंड्स हैं, सोडियम नाइट्राइट, ठीक है, और यहाँ पे हमारा चारकोल, ठीक है, तो उन दोनों को आप लोग थोड़ा देख लेना, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और बाकी हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो चुकी है, और आई होप कि यूनिट 5 के लेक्चर्स भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ, बाकी देखते हैं। और आई होप कि आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।